दोस्तों बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं लोग कि क्लोजविल के ऊपर कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए बेस्ट हो सकती है, उन एप्लीकेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज के दिन में आपको बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन के जरिए से आपके लिए लोन एप्लीकेशन से लोन लेना सही होगा। तो वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। क्लोजविल के ऊपर किस तरह से आपको लोन लेना है, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाली है, आज मैं दो लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेगा। दोस्तों मैं उम्मीद और आप देख रहे हैं टेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं कि भाई कौन सा एप्लीकेशन फिलहाल वर्क कर रही है, कौन से स्लो सिविल के ऊपर लोन हमें प्रोवाइड करा देगी, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी लोन की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अब तक मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके ऊपर, भाई लो सिविल के ऊपर कौन सा एप्लीकेशन वर्क कर रही है, कौन सा एप्लीकेशन अभी के दौरान में वर्क कर रही है, कौन सा एप्लीकेशन के ऊपर आपको लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था, लाइव अप्लाई करके भी दिखाया था। लेकिन काफ़ी लोगों डिमांड भाई होने की वजह से दोबारा मुझे एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू करना पड़ रहा है, और आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिस एप्लीकेशन के मदद से लो सिविल के ऊपर भी आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो फिलहाल अभी वर्किंग वे में है एप्लीकेशन, यानी उन एप्लीकेशन के मदद से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो किस तरह से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन से एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, कौन सी वो दो लोन एप्लीकेशन है जिन पर आपको लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो ये वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेगा। दोस्तों हम पहले लोन एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये है फेयर मनी लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि आपको कम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको लोन्स प्रोवाइड कराई जाती है। आपको यहाँ पर मिनिमम 750 रुपये से लेकर मैक्सिमम लोन 50,000 रुपये तक का लोन्स प्रोवाइड कराती है, वो भी लो सिविल स्कोर के ऊपर, यानी कि आपकी मिनिमम सिविल स्कोर 650 ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको 750 ऊपर सिविल स्कोर है तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लोन्स मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है, इमरजेंसी है तो लोन्स के लिए अप्लाई करिएगा। एक और कंडीशन है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आधार OTP बेस के ऊपर आप KYC कर सकते हैं और इंस्टेंट अप्रूवल पा सकते हैं। तो आपको मिनिमम यहाँ पर 750 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराती है, वो अभी मैक्सिमम 6 महीनों के लिए, मिनिमम आपको यहाँ पर 62 दिनों का समय दिया जाता है, यानी 2 महीनों के लिए। तो दोस्तों ये आपको यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, आपको यहाँ पर 12% से लेकर 36% तक सालाना चार्ज करी जाती है। 5 मिनट के अंदर में ही आपको यहाँ पर अप्रूवल का पता चल जाएगा कि आपको अप्रूवल मिलेगी या फिर नहीं मिलने वाली है। तो आपके लिए ये बेस्ट एप्लीकेशन हो सकती है क्योंकि कम डॉक्यूमेंट के ऊपर मैक्सिमम लोन टर्म की सुविधा देखने को मिलते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर लोन देने वाली ये पहली लोन एप्लीकेशन है जो मेरे लिए बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। दूसरे एप्लीकेशन के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ये एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म्स के जरिए से ही लोन फंडिंग करती है। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वही डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये है ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन की मदद से भी आप मिनिमम 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, वो भी कम डॉक्यूमेंट के साथ। जैसा कि हम आपको बता दूं यहाँ पर 2-3% मंथली इंटरेस्ट चार्ज लगती है। ब्रांच लोन एप्लीकेशन और फेयर मनी लोन एप्लीकेशन, ये दो लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन टर्म भी देखने को मिल जाते हैं। कम डॉक्यूमेंट पर लोन देने वाली लोन एप्लीकेशन है और दोनों लोन एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म्स के जरिए से लोन फंडिंग आप तक कर दी है। भाई लोन को टाइम से अगर रिपेमेंट करते हो तो आपके सिविल भी इंप्रूवमेंट होगी और साथ साथ आपकी लिमिट भी इंप्रूवमेंट होती है। 6 महीनों तक का मैक्सिमम लोन टर्म आपको यहाँ पर मिलती है, लेकिन आपकी डिपेंड करती है आपके लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो ऐसे आपको यहाँ पर मंथली 2-3% चार्ज करी जाती है इंटरेस्ट चार्ज, वहीं पर बात करें सालाना तो ऐसे में 24% आपको सालाना चार्ज लगती है। तो ये भी EMI की तरह लोन एप्लीकेशन वर्क करती है, यानी कि फेयर मनी लोन एप्लीकेशन और ब्रांच लोन एप्लीकेशन दोनों EMI की तरह लोन एप्लीकेशन वर्क करती है। दोनों का लगभग सेम प्रोसेस है, दोनों एप्लीकेशन के ऊपर आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आज भी एप्लीकेशन ये वर्क कर रही थी, लॉकडाउन के समय में भी एप्लीकेशन ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही थी। यदि आप इन दोनों लोन एप्लीकेशन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है, तो भाई इन एप्लीकेशन के ऊपर
डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेकआउट कर ले। आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही लोन प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मिनिमम आपको यहाँ पर 750 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन के बीच आपको किसी तरह का बैंक स्टेटमेंट यानी इनकम प्रूफ के तौर पे कुछ भी नहीं देना होता है। आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई क्वारी है, पूछताछ करना चाहते हैं, तो इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रोमेंट के साथ हमेशा वीडियो में लाते रहता हूँ।